अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेज विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं पूरी भाजी और आमरस। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए पहले हम आमरस बनाएंगे। आमरस के लिए हमें चाहिए 3 अल्फोंसो आम लिया है हमने, इसे पीसेस में काट लिया है। शक्कर लेंगे, ब्लेंडर में आम के पीसेस डालें, शक्कर डालेंगे, शक्कर आपको टेस्ट के हिसाब से लेना है। इसे ब्लेंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट जैसे बना लेना है हमें। इसे बाउल में निकाल के हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। एक कप मैदा लेंगे, नमक लेंगे, एक टेबलस्पून रवा लेना है और 2 टेबलस्पून गरम तेल लेंगे पूरी बनाने के लिए। पहले रवे को बाउल में डालेंगे, हाफ कप पानी डालें इसके अंदर और रवे को हम फूलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट से रख देंगे इसी तरह से। 10 मिनट के बाद में इसके अंदर आप मैदा डालेंगे, एक कप मैदा डालेंगे, नमक डालें, गरम तेल डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और एक टाइट डो बना लेना है हमें। इसके बाद इसे हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए साइड में। 15 मिनट के बाद आप इसे एक लॉन्ग लॉक जैसे बना लेंगे, छुरी से काट के इक्वल साइज में हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। ड्राई फ्लावर में से डस्ट करना है, एक्स्ट्रा फ्लावर निकाल के इसे हम थिक पूरी बना लेंगे। थिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आपको इसका ध्यान देना है। पूरी पतली नहीं रहना चाहिए, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। ये दूसरा मेथड है। एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे और राउंड कटर लेके हम राउंड पूरी काट लेंगे और ये पूरी को हम हवा में सूखने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपका ऑयल फ्री पूरी बनेगी। भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 आलू लिए हमने, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 3 कांदा लिया है, इसे चॉप कर लेंगे। एक टमाटर को चॉप कर लेंगे। 8 हरी मिर्च लिया है, कड़ी पत्ते लेंगे और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। राय लेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, नमक और 1 टीस्पून हल्दी लेना है। पहले हाफ कप तेल गरम कर लेंगे, इसमें ज़ीरा और राय डालेंगे, कड़ी पत्ता डालें इसके अंदर, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। नमक और हल्दी डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए इसे मसाले को भून लेना है। कांदा डालेंगे, टमाटर डालना है और 2 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे मसाले के साथ में। आलू के पीसेस डालना है, पानी डालेंगे, 1 ग्लास पानी डाल के हमें 4 विजल ले लेना है। इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। 4 विजिल लेने के बाद में आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसे हम हाई फ्लेम पे पका लेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह से सूख नहीं जाता है। चम्मच से इसे मैश कर लेना है, कम्प्लीटली इसे मैश नहीं करेंगे। पानी सूखने के बाद आपकी भाजी तैयार है। पूरी हम हवा में सूखने के लिए रख दिए थे, ये अच्छी तरह से सूख गई है। इसे अब हम तेल में तल लेंगे, गर्म तेल में इसे आप डालेंगे और लाइटली प्रेस करना है आपको। फ्लिप करते रहेंगे, जिसका गोल्डन कलर आ जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। गरम गरम पूरी आप सर्व कीजिए भाजी और आमरस के साथ में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।